ऊपर से अमान, नीचे सैफ, बाहर की तरफ खींचा सैफ ने, रोका, रोक के फिर से क्रॉस खींचा और अमान धीरे धीरे निकलता हुआ मुड्ढा बना रहे थे, कट गए। तो सैफ के इसी पेज के साथ दो पेज हो गए हैं इंटरनेशनल के लिए। तुम्हारी कौन सी है? नीचे से चौथे पेज के लिए सैफ जगह ले रहे हैं और ऊपर से मुड्ढा रखते हुए आलमबाग के सोनू गड़ौता मुड्ढा काफ़ी दूर से बना लिया, उसको धीरे धीरे मारते जा रहे हैं, काफ़ी करीब कर रहे हैं। सैफ रोके हैं, रोक के बाहर गद्दा ताकत बनाई, दोनों लोग ताकत लगा रहे हैं। सोनू ने भी गद्दा ताकत से मारा, अंदर की तरफ पतंग घूम के आ रही, क्रॉस जा रहा है सैफ का गद्दा, लेकिन सैफ ये पेज कट गए और सोनू मैंने एक पेज काटा और ये पतंग भी निकल के आ गई। नीचे से प्रिंस लड़ा रहे हैं इंटरनेशनल के लिए, ऊपर से लड़ा रहे हैं अजमत आलमबाग के लिए। निकलता हुआ बनाया भारी पतंग, प्रिंस ने फंसाने की कोशिश, कंटी मार के रखी, अंदर तब तेते झटके मारे, अजमत ने बहुत खूबसूरत पेज काटा है, एक पेज हो गया अजमत का इस पतंग से। नीचे से पहला पे लड़ाते हुए आलमबाग के लिए अजमी भाई और ऊपर से मुड्ढा रखते हुए इंटरनेशनल के मेंबर, इनका नाम नहीं पता, अभी आपको आगे गेम में बताते हैं। गड़ौता मुड्ढा बना लिया, उसकी ताकत से मारते रहे, बाहर क्रॉस की तरफ खींचा आदमी ने भी, दोनों लोग अपनी ताकत से खींचे पतंगे दोनों पट पे और डबल करते हुए उठाई है इंटरनेशनल के मेंबर ने, चेते झटकते हुए आदमी भाई पे पतंग को ला रहे हैं लेकिन कट गए। तो एक पेज हो गया है इंटरनेशनल के मेंबर का इस पतंग से। हमारे राजा भाई थे इंटरनेशनल वाले, जिन्होंने अभी अजमी भाई के ऊपर गद्दा मारा था और डबल करते हुए पेज काटा था, इनका दूसरा पेज आ गया और नीचे से जगह ले ली है, चलते हैं दूसरे पेज पे। ऊपर से सोनू, नीचे से राजा इंटरनेशनल के लिए, और ऊपर से सोनू काफ़ी ऊंचे करके मुड्ढा रखे हैं और ये रही पतंग राजा की इंटरनेशनल के लिए। दोनों एक दूसरे के हाथ की तरफ जगह लेते जा रहे हैं तो इस वजह से दोनों पतंगें नहीं दिख पा रही है। थोड़ा सा यहाँ से जूम आउट करते हैं तो ये देखिए सोनू की पतंग निकलता हुआ मुड्ढा बनाया आलमबाग के लिए और राजा भी अपनी पतंग को एक जगह पर रोके हुए हैं, डोर थोड़ी सी देते हुए बाहर की तरफ दोनों लोग अपनी पतंग को निकालते हुए गड़ौता मुड्ढा बनाया, रोका, रोक के बाहर की तरफ फिर से बनाया सोनू ने, उसी को ताकत से मारा पतंग घूम के अंदर की तरफ आ रही, क्रॉस खींचते हुए राजा और राजा कट गए ये पेज। तो एक पेज फिर से सोनू को हो गया, सोनू की पतंग जो है वो हल्की सी बाहर की है, जब ताकत से गद्दा मारते हैं तो घूम के अंदर आती है, जिसका फ़ायदा मिल रहा है और इस तरह से इन्होंने दो पेज अपने पूरे कर लिए। नीचे से तेज़ हाथों से जगह लेते हुए आलमबाग वाले राजा, इंटरनेशनल में भी एक राजा लड़ा रहे हैं और आलमबाग में भी एक राजा लड़ा रहे हैं और ऊपर से अपनी पतंग का मुड्ढा रखते हुए उस्ताद काफ़ी तेज़ हाथों से, देखिए अंदर की तरफ उस्ताद जगह लेते चले आ रहे हैं, काफ़ी बीच में पतंग हाथों से तेज़ हाथों से दौड़ाते हुए उस्ताद और अपनी पतंग को बचाने के लिए अब राजा बाहर की तरफ खींच रहे हैं। ऊपर से इंटरनेशनल के मेंबर उस्ताद निकालते हुए अपनी पतंग को निकाल के डबल करते हुए तेज़ झटके मारे बाहर की तरफ, राजा खींच रहे थे और ये पेज कट गए, बढ़िया पेज काट दिया उस्ताद ने और एक पेज पूरा हो गया इसी के साथ। फ्रेंड्स बहुत गर्म हो रही है और ये पतंगें लड़ रही हैं फन रिपब्लिक के पास से, एक तरफ इंटरनेशनल है जिधर उस्ताद लड़ाते हैं और दूसरी तरफ है आलमबाग काइट क्लब जिधर सोडी भाई हैं जो कि नए LKCO के सचिव भी हैं, ये पूरी उनकी टीम खड़ी हुई है, पतंगें बढ़ाई जा रही हैं। ये मैदान जो है, जैसे बहुत से लोग पूछते हैं मैदान कहाँ पर, देखिए फन रिपब्लिक बना उसके जस्ट बगल में ये मैदान है और गर्म बहुत ज़्यादा हो रही है, सुबह थोड़ी सी बारिश हुई थी जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा उमस है तो गर्म बहुत ज़्यादा है आज, लेकिन और पतंगें एक एक करके लड़ रही हैं। नीचे से अमान आ गए हैं जगह लेते हुए आलमबाग के लिए, ऊपर से लड़ा रहे हैं इंटरनेशनल के उस्ताद आगा भैयू जी और दो पेज काट चुके हैं बहुत बढ़िया झटकते हुए तेज़ हाथों से, अमान अंदर की तरफ जगह लेते चले जा रहे हैं, अंदर की तरफ उस्ताद ने अपनी पतंग को उतारा और ज़्यादा से ज़्यादा अंदर की तरफ जगह ले रहे हैं और वापस अपनी पतंग को बाहर निकालते हुए उस्ताद और कोनी करा के जगह लेते हुए तेज़ हाथों से अमान ऊँचा करके मुड्ढा दे रहे हैं, बाहर की तरफ अमान ने बनाया उसी को ताकत से भर लिया, करीब करके रोका, रोक के अंदर की तरफ खींचा उस्ताद ने, सीधी पतंग उतारी, अंदर की तरफ तेज़ झटके मारे उसके ऊपर पेज और बढ़िया पेज फिर से उस्ताद ने काट दिया और तीन पेज अपने पूरे कर लिए हैं इंटरनेशनल क्लब के लिए। भाई कोशिश करेंगे, जवान तो कट चुके हैं। एक तरफ हैं आलमबाग के मुन्ना भाई, काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर और दूसरी साइड पे हैं उस्ताद, तीन पेज काट के लड़ा रहे हैं, अब देखेंगे चौथा पेज कौन काटेगा, बढ़िया पेज होने वाला है दोनों के बीच में। ऊपर से उस्ताद मुड्ढा रखते हुए और तेज़ हाथों से नीचे से मुन्ना भाई आलमबाग के लिए जगह लेते जा रहे हैं, उस्ताद फिर से तेज़ हाथों से अंदर की तरफ चलते चले जा रहे हैं, हवा जो है लेफ्ट हैंड थोड़ा इंटरनेशनल की तरफ दबी है लेकिन नीचे से देखिए तेज़ हाथों से मुन्ना भाई जगह ले रहे हैं, जाने नहीं दे रहे, अपनी पतंग को काफ़ी ऊँचा करके मुड्ढा दिया, अब उस्ताद बाहर की तरफ अपनी पतंग को निकालते हुए पहले एक दूसरे के अंदर जगह ज़्यादा से ज़्यादा ली जा रही है, उसके बाहर निकाल रहे हैं दोनों ही पतंगों को, फंसा के लड़ाया जा रहा है, अब की बार देखते क्या होगा। उस्ताद फिर से अपनी पतंग को बाहर लाते हुए, मुन्ना भाई भी अपनी पतंग को थोड़ी कम करते हुए बाहर की तरफ निकाल रहे हैं, धीरे धीरे उस्ताद फंसाने के लिए करीब ला रहे हैं,
कोई मेल मिलाव नहीं, सीधा गद्दा रखा, बाहर एकदम निकाल के ले आए, सीधा करके तेते झटके मारे, चुस्कियों पे पेज आ गया है। और ये बढ़िया पेज मुन्ना भाई ने उस्ताद आटा जी को काट दिया। नीचे से आलमबाग के लिए मुन्ना भाई एक पेज काट चुके हैं, दूसरा पेज अपने लाते हुए फंसाने की कोशिश, ऊपर से इंटरनेशनल के मेंबर लड़ा रहे हैं, इनका नाम नहीं पता। आप देखते हैं पेज आया कि नहीं, सीधा गद्दा मारा अंदर की तरफ बाहर के बल, और बढ़िया पेज पतंग उठा रहे थे इंटरनेशनल के मेंबर और ये पेज कट गए। बढ़िया पेज दो मुन्ना भाई ने काट दिए आलमबाग के लिए। ये हमारे जैद भाई, जैद मल्टी वीडियो, आज फिर लड़ाते हुए इंटरनेशनल की ओर से, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, और आप ठीक हैं? चलिए, पहला पेज लाने जा रहे हैं, इनका पेज देखेंगे, मुन्ना भाई से लड़ा रहे हैं। मुन्ना भाई दो पेज काट चुके हैं आलमबाग के लिए। नीचे से मुन्ना भाई अपना तीसरा पेज लड़ाते हुए ऊपर से जैद भाई लड़ा रहे हैं इंटरनेशनल के लिए। अब की बार देखते हैं कौन काटेगा, क्या तीन पेज मुन्ना भाई पूरे कर पाएंगे या जैद काट देंगे। अंदर तब दिखाया तेते झटके मारे, निकलता हुआ मारा जैद ने, और मुन्ना भाई अब की बार ये पेज कट गए। जैद का एक पेज हो गया है इस पतंग से। ऊपर से आलमबाग के लिए सनी मुड्ढा रखते हुए नीचे से जैद इंटरनेशनल मेंबर ऊपर चढ़ा के दिया, डोर फेंकी, गड़ौता मारा सनी ने, उसी को ताकत से मारते आ रहे, और जैद भाई अब की बार ये पेज कट गए। ऊपर से मुड्ढा रखते हुए इंटरनेशनल के रिजवान भाई, और नीचे से लड़ा रहे हैं आलमबाग के लिए अजमत। दोनों का इस पतंग से पहला पेज है, और रिजवान भाई ने एक पेज काटा था, दूसरी पतंग थी, पतंग थोड़ी सी अंदर की राउंड होने की वजह से हटा के दूसरी पतंग लंबे करिए, निकलता हुआ मुड्ढा बनाया रिजवान भाई ने, रोका करीब करके, रोक के सीधा गद्दा मारा है, थोड़ी सी निकलता हुआ मुड्ढा जा रहा है, रोक के पट पे खींचा है, ताकत से झटके मार रहे हैं अजमत, और ये बढ़िया पेज रिजवान भाई को अजमत ने काट दिया। नीचे से अजमत दूसरे पेज के लिए जगह लेते हुए ऊपर से इंटरनेशनल के लिए प्रिंस लड़ा रहे हैं, देखते हैं कौन काटेगा। तेज़ हाथों से जगह लेते चले जा रहे हैं, और ऊपर से प्रिंस भी अंदर की तरफ जगह लेते चले जा रहे हैं, दोनों एक दूसरे के हाथ की तरफ जगह लेते हुए, और सीधा मुड्ढा प्रिंस ने उतारा अंदर की तरफ, बाहर की तरफ अजमत ने खींचना शुरू कर दिया, अंदर की तरफ खींचते जा रहे हैं। प्रिंस रोका, डोर फेंक दी, डोरों पर रख लिया है, चुस्कियों पर पेज आ गया, कोई काट गया, और ये प्रिंस की पतंग कट गई। दो पेज हो गए हैं अजमत के इस पतंग से। और फ्रेंड्स एक बात है, दोनों ही क्लबों में 12 साल तक दोनों ही टीमें लखनऊ की रही हैं, इंटरनेशनल उस्ताद आगा भैयू जी की और सोडी भाई की आलमबाग, लेकिन 12 साल हो गए लेकिन इनमें कभी गेम नहीं लड़ाया गया। आज ये 12 साल के बाद पहली बार दोनों टीमों के बीच में गेम लड़ा रहा है, आपसी ताल्लुकात की वजह से गेम लड़ाया गया, लेकिन अब कब तक ना करें, क्योंकि दोनों अच्छी टीमें हैं, दोनों को एक दूसरे से शौक भी करना था, तो ये 12 साल के बाद आज पहली बार गेम लड़ रहा है। और ये हमारे उस्ताद आगा भैयू जी जा रहे हैं, अजमत भाई दो पेज काट चुके हैं, और ये पीछे पीछे त्रिपाठी जी जा रहे हैं जो कि इंटरनेशनल में शौक करने लग गए हैं और बहुत बढ़िया आदमी है, और ये टीम खड़ी है आलमबाग की। ऊपर से उस्ताद, नीचे से अजमत, उस्ताद अंदर की तरफ जगह लेते चले जा रहे हैं, खड़ा खींचा है अजमत ने, लेकिन कोई काट काट नहीं हो रही। उस्ताद अपनी पतंग को और ज़्यादा ऊपर की तरफ खींचते हुए रेंज को कम कराने के लिए और टेढ़ा कराने के लिए उस्ताद अपनी पतंग को अंदर की तरफ ऊपर से लेते चले जा रहे हैं, पतंग काफ़ी ज़्यादा ऊपर ले गए हैं उस्ताद, लेकिन अजमत ने भी जाने दिया है, नीचे से नहीं खींच रहे। ये पतंग है अजमत की और काफ़ी ऊँचे पर है पतंग उस्ताद की, वहीं से मुड्ढा बनाते हुए आ रहे हैं ताकत से खींचते हुए, धीरे धीरे पतंग नीचे आ रही है, अजमत नीचे की तरफ जगह लिए हुए हैं, रेंज कम होती है, उस्ताद काफ़ी दूर से मुड्ढा बना के उसी को लेते हुए चल रहे हैं। अजमत अपनी पतंग को चमकाते हुए अंदर के मुड्ढे पे, अभी भी अंदर के मुड्ढे पे रोके हैं, बाहर के मुड्ढे पे झटकते हुए लाए, अंदर की तरफ उस्ताद ने भी दिखाया, और शायद पेज आए नहीं, दोबारा ने अपनी भारी पतंग उस्ताद ने लाती, गड़ौता ऊँटा बनाया, धीरे धीरे झटके मार रहे हैं। अजमत भी अंदर की तरफ झटके दिखाते हुए, कोई काट काट नहीं, धीरे धीरे पतंग उतारते हुए बाहर की तरफ, थोड़ा सा अजमत ने खींचा, रोका, तेज तेज झटके मार रहे हैं, लग रहा है शायद अजमत ऊपर से आए हैं, और ये देखिए नीचे से लड़ा रहे थे ऊपर से आ गए, तेज तेज गड़ोते हुए झटके मारे, और उस्ताद आगा ने जैसे सीधा मुड्ढा करा ये पतंग उस्ताद आगा जी की कट गई। तीन पेज हो गए हैं अजमत के इस पतंग से आलमबाग के लिए। ऊपर से इंटरनेशनल के लिए अनीस मुड्ढा रखते हुए नीचे से अजमत अपना चौथा पेज लड़ाते हुए धीरे धीरे करीब करके अनीस ने मुड्ढा बनाया, अजमत ने अंदर की तरफ खींचा, कोई काट काट नहीं, दोबारा से गद्दा बनाया, उसी को गड़ौता मार दिया अनीस ने, बाहर की तरफ अजमत ने भी ताकत से खींचा, और बढ़िया पेज फिर से काट के चार पेज अपने पूरे कर लिए हैं अजमत ने आलमबाग के लिए। नीचे से अजमत पांचवें पेज के लिए जगह लेते हुए ऊपर से अब की बार इंटरनेशनल के लिए रिजवान भाई आए हैं, अब की बार देखते हैं क्या होगा। फिर से अजमत ने नीचे से जगह लेके खींचना शुरू कर दिया है, और रिजवान भाई भी अंदर की तरफ अपनी पतंग को लेते चले जा रहे हैं, अजमत ने काफ़ी ऊंचा करके मुड्ढा दिया, रिजवान भाई अपनी पतंग को खींचते हुए अंदर की तरफ, और अजमत अपनी पतंग को ऊँचा करते चले जा रहे हैं, रिजवान भाई भी अपनी पतंग को ऊपर ही ऊपर खींचते चले जा रहे हैं, काफ़ी रेंज कम करी, रोका, चक्कर लिया, अब निकलता हुआ मुड्ढा उसी जगह से बनाया है, धीरे धीरे आ रहे हैं, अजमत अपनी पतंग को टेढ़ा करा के ऊपर करके मुड्ढा दे रखा है, रिजवान भाई और अपनी पतंग को थोड़ा सा कम करते हुए गर्दन की तरफ धीरे धीरे चलते हुए अजमत उसी जगह पर अपनी पतंग को लगाए हुए हैं, कोई जल्दबाजी नहीं, डोर छोड़ने लग गए हैं नीचे से अजमत, और रिजवान भाई भी अपनी पतंग की डोर निकालते हुए ऊपर ऊपर सीधा गद्दा बनाया, काफ़ी दूर से वापस से उठा लिया, दोनों पतंगें अब बराबर हैं, जगह लेते हुए नीचे से अजमत, ऊपर से रिजवान भाई, बाहर की तरफ पतंग को थोड़ा सा निकालते हुए
गर्दन की तरफ थोड़ा सा बढ़ते हुए चार पेज अजमत काट चुके हैं, तेज़ हाथों से जगह लेते जा रहे हैं और पीछे बढ़ते जा रहे हैं। गर्दन के पास थोड़ी पतंग लेके आए रिजवान भाई, सीधा मुठा उतारा, रोका, चक्कर लिया, कोई जल्दबाजी नहीं, एक मिनट से ज़्यादा इस पेज को हो गया है, चार पेज अजमत काट के लड़ा रहे हैं। और थोड़ा सा गर्दन की तरफ आया रिजवान भाई, वापस अंदर की तरफ बीचों बीच में ले जाके मुड्ढा बना रहे हैं। अजमत जगह लेते हुए बीचों बीच में रिजवान भाई ने मुड्ढा बनाया, अजमत ने बाहर का मुड्ढा बनाया, रोका करीब करके, रिजवान भाई ने पतंग को उठा लिया, रेंज कम हो गई है लेकिन कोई जल्दबाजी नहीं। अंदर की तरफ फिर से रिजवान भाई ने पतंग का मुड्ढा बनाते हुए, अजमत ने बाहर का मुड्ढा बनाया, उसी को ताकत से खींच लिया, डबल होती है पतंग रिजवान भाई की, रोक के अंदर की तरफ खींच रहे हैं रिजवान भाई भी, दोनों ताकत से खींच रहे हैं। अजमत ये पेज कट गए, बढ़िया पेज काटा है रिजवान भाई ने और पाँच पेज होने से रोक लिए अजमत के। नीचे से इंटरनेशनल के रिजवान भाई दो पेज काट के लड़ाते हुए, ऊपर से आलमबाग के सोनू आए हैं रोकने के लिए। अब की बार देखते हैं क्या होगा, दो बार इन्होंने गद्दे मारे थे, पतंग हल्की सी घूम के अंदर आई थी, अब की बार देखते हैं वो पतंग तो इनकी कट चुकी है, याली पतंग देखते हैं सीधी है या फिर वैसे ही है। बहुत से लोग हल्की फुल्की पतंग बना लेते हैं ऊपर से लड़ाने के लिए, जिससे पतंग गद्दा मारे तो हल्की सी घूम के अंदर आए। निकलता हुआ मुड्ढा बनाया सोनू ने काफ़ी दूर से, रिजवान भाई अपनी पतंग को चलाते हुए क्रॉस खींचा, रोक लिया दोनों लोगों ने, काफ़ी करीब होकर पतंग लड़ रही अंदर तक रिजवान भाई ने दिखाया, झटके से झटके मारे सोनू ने डबल होती हुई पतंग और ये पे रिजवान भाई कट गए। पतंग फिर से लग रहा सोनू भाई के अंदर की है लेकिन पेज काट लिया है, तो एक पेज हो गया सोनू का इस पतंग से लड़ाते हुए। नीचे से आलमबाग के लिए अमान लड़ा रहे हैं, ऊपर से लड़ा रहे हैं इंटरनेशनल के लिए उस्ताद, तेज़ हाथों से जगह लेते हुए अमान और ऊपर से डोर निकालते हुए उस्ताद, शायद काफ़ी ज़्यादा झोल है, लग तो रहा है झोल लगाने की कोशिश कर रहे हैं, डोर निकालते जा रहे हैं, डोर फेंकी अमान ने लेकिन काट काट नहीं हुई है अभी, और उस्ताद ने अपने पतंग को टाइट करा, काफ़ी ज़्यादा डोर निकाल दी है, पतंग को कम करते हुए धीरे धीरे, लेकिन अमान अपनी पतंग से जगह लिए हैं, उस्ताद भी अंदर की तरफ जगह लेते चले जा रहे हैं। निकालते हुए लाया अपनी पतंग का मुड्ढा, अपनी पतंग को अमान चलाते हुए तेज़ हाथों से अंदर की तरफ फिर से जगह ले रहे हैं अमान, लेकिन काफ़ी दूर से उस्ताद ने उसी मुड्ढे को बना लिया है, धीरे धीरे बनाते जा रहे हैं, करीब करके रोका, रोक के अंदर की तरफ ताकत से मारा अमान, भाग की तरफ खींचना पतंग राउंड होती हुई पट पे गई अमान की और अमान ये पेज कट गए। पतंग ख़राब थी अमान की लेकिन उस्ताद का एक पेज हो गया। उस्ताद आगा जी नीचे के पेज के लिए आगे बढ़ते हुए और अपोजिट टीम से सोनू भाई फिर से लड़ाएंगे। पतंग के लिए कहा गया था राउंड है लेकिन खींची थी और पतंग अंदर की है, लेकिन अब पेज पे फिर से देखेंगे क्या होता है, कौन काटेगा, कि सोनू भाई काटेंगे और पतंग खिंचवाई जाएगी कि नहीं। नीचे से उस्ताद, ऊपर से सोनू, गड़ौता हुआ मुड्ढा बनाया, उस्ताद ने भी बाहर की तरफ काफ़ी दूर से खींचा, रोका, रोक के अंदर की तरफ क्रॉस खींच रहे हैं उस्ताद, निकलता हुआ मारा, डबल हो गई सोनू की पतंग और उस्ताद तेज तेज झटके मार रहे हैं और सोनू भी झटके मारने लगे, बढ़िया पे सोनू ने काट दिया, पतंग ताकत से खींचते हैं तो डबल हो जाती है और अंदर की तरफ ही घूमती है और ये पेज हो गया, लेकिन देखते हैं कि आवाज़ दी जाएगी सोनू भाई को पतंग हटाने के लिए कि नहीं। और ये हमारे साथ आदमी भाई कुछ बता दे, सोडी भाई को निकाल लिया गया आलमबाग क्लब से, सोडी भाई को निकाला नहीं गया, सोडी भाई ने आलमबाग टू ज्वाइन कर लिया है। अच्छा, हाँ अभी आलमबाग अभी जिसने गैलेक्सी को नौ काटा था आलमबाग टू, अच्छा सोडी भाई उसमें चले गए हैं। तो क्या नाम, कौन कौन लड़ा रहा है सोडी भाई के साथ? भाई वो तो सोडी भाई ने अपनी अलग जुट बनाई है, अलग जुट बना ली गैलेक्सी, वो न्यू आलमबाग, ये कमान इसको मोनू भाई को दे दी आलमबाग वन की। ये मोनू भाई है और अजमत हमारे वाइस प्रेसिडेंट, ये है मोनू भाई और ये रहे अजमत, पीछे अजमत हमारे पीछे है तो कैमरे मान नहीं पा रहे, चलिए कोई बात नहीं। और लड़ाते हुए आलमबाग काइट क्लब इंटरनेशनल से, और ये सुनने में आया 12 साल के बाद ये शौक हो रहा है दोनों टीमों के बीच में पहली बार, तो इसलिए गेम को कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। नीचे से अजमी आलमबाग के लिए और ऊपर से लड़ा रहे इंटरनेशनल के मज़हर, अब देखते हैं कौन ये काटेगा, मज़हर, प्रिंस और रिजवान भाई, ये तीनों भाई हैं जो इंटरनेशनल आते हैं, एक भाई और हैं मोनू भाई, वो भी लड़ाते हैं लेकिन आज नहीं है। थोड़ी सी पतंग कम करके मज़हर गर्दन के पास गद्दा रखते हुए बीचों बीच में मड्ढा उतारो ताकत से गड़ोता हुआ मारा और डबल करते हुए उठाया और जैसे ही पट पे खींच रहे थे अजमी भाई कट गए, एक पेज हो गया है मज़हर का इस पतंग से। इंटरनेशनल के लिए मज़हर भाई एक पेज काट के लड़ा रहे हैं और नीचे से बुला रहे हैं आलमबाग के मेंबरों को, नीचे से अजमत आ गए हैं और ऊपर से मुड्ढा रखते हुए मज़हर भाई इंटरनेशनल के लिए ऊंचा करके मुड्ढा दिया अजमत ने और ऊपर से धीरे धीरे अपनी पतंग को उतारते हुए, भारी पतंग है थोड़ा सा रख के फंसा के लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं मज़हर भाई, बीचों बीच में मुड्ढा उतारते हुए बाहर की तरफ निकाला ताकत से अजमत बाहर की तरफ खींचते हुए काफ़ी दूरी से और डबल करते हुए मज़हर भाई ने लादा, वापस से पट करा और डबल करते हुए फिर से अपनी पतंग उठा रहे हैं, चुस्के ऊपर पेज आ गया है, दोनों ही लोग अपनी डोर निकालते हुए डबल करते हुए अपनी पतंग को ऊपर ले आए हैं मज़हर भाई, अब देखते हैं कौन ये पेज काटेगा, चुस्कियाँ चल रही हैं, कोई काट काट नहीं हो रही,
शायद पेज आया नहीं, और पेज आ गया था, ये अजमत भाई की पतंग जैसी हल्का पट पे हुई कट गई। बढ़िया पेज काट दिया और दो पेज अपने पूरे कर लिए। नीचे से समीर आ गए हैं आलमबाग के लिए, ऊपर से मसर भाई अपने तीसरे पेज के लिए मुठा रखते हुए कोनी करा के जगह लेते जा रहे हैं, और जल्दी से घेरा और फंसाने के लिए, लेकिन पट पे थोड़ा सा करके जगह ली, थोड़ा सा बीच में लेके आ रहे हैं अपनी बार अपनी पतंग को मजर भाई, और ज़्यादा से ज़्यादा नीचे से जगह लेते जा रहे हैं समीर भी। और ये समीर स्पीड वाले नहीं, ये आलमबाग वाले हैं, जो कि समीर पहाड़ी के नाम से काफ़ी ज़्यादा मशहूर हैं पतंगबाजी में। और ऑल इंडिया वाला गेम देखा होगा आपने, तो उसमें भी इन्होंने अपने पहले राउंड या दूसरे राउंड में अपोजिट टीम को 9-0 से बाहर करा था। तो कोलकाता की शायद टीम थी, बढ़िया गेम लड़ाया था उसमें इन्होंने। बाहर की तरफ समीर ने पुंडा बनाया, उसकी तरह सीधा करता ताकत से मारा, तेज झटके मार रहे थे मज़र, लेकिन कट गए। तो एक पेज हो गया है समीर का इस पतंग से। ऊपर से उस्ताद, नीचे से समीर, दो पेज काट के लड़ाते हुए बाहर का मुड्ढा समीर ने बनाया, उसी को ताकत से खींचा, रोका उस्ताद अंदर की तरफ, ऊपर से जगह लेते चले आ रहे हैं समीर बाहर की तरफ ताकत से खींचते हुए, पतंग की रेंज थोड़ा सा कम करके उस्ताद अंदर की तरफ जगह ले रहे हैं लगातार। समीर भी अपनी पतंग को बचाने के लिए बाहर लगातार खींचते जा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा बढ़ हो गई है समीर की पतंग, उस्ताद ने काफ़ी ज़्यादा ऊपर से टेढ़ा करा लिया है। धीरे धीरे निकलता हुआ मुठ्ठा बनाया, समीर ने अंदर की तरफ दिखाया, दोनों लोग धीरे धीरे चलते हुए डबल करते हुए, उस्ताद ने अपनी पतंग उठाया, कोई जल्दबाजी नहीं, दोबारा से गड़ोता हुआ मुठ्ठा उस्ताद ने बनाया। धीरे धीरे उस्ताद चल रहे हैं, भारी पतंग उड़ाए हैं अंदर की तरफ, समीर खींच रहे हैं, थोड़ी सी पतंग समीर की बढ़ है, और उस्ताद अपनी पतंग की रेंज कम करते हुए अंदर की तरफ ही तेज़ हाथों से मुठ्ठा उतारते हुए, बीचों बीच में उस्ताद ने मुठ्ठा बनाया, फिर से निकलता हुआ बनाया, उसी को डबल करते हुए उठा रहे अपनी पतंग को। समीर ने कोई जल्दी ना करते हुए, समीर भाई कोई जल्दी नहीं कर रहे हैं, धीरे धीरे अपनी पतंग को नीचे लगाएं, सीधा मुठ्ठा उस्ताद ने उतारा, समीर फिर अंदर की तरफ मुठ्ठा दिखा रहे हैं लेकिन खींच नहीं रहे उसको, निकलता हुआ मुठ्ठा उस्ताद बना रहे हैं डबल करने के लिए। समीर ने फिर अंदर की तरफ दिखाया, कोई जल्दबाजी नहीं, रेंज बहुत ज़्यादा कम हो गई है, सीधा मुठ्ठा उस्ताद ने उतारा, उसी को उतारते चले आ रहे, तेज झटके मारे पट पे खींच रहे हैं समीर भी, दोनों पतंगे पेड़ के पीछे, और ये उस्ताद की पतंग निकल गई और समीर की पतंग भी आ गई, कोई काट काट नहीं हुई, रेंज कम होती चली आ रही है, 150 मीटर की रेंज बची होगी, लेकिन उस्ताद अभी जाने नहीं दे रहे हैं, और समीर भी अपनी पतंग को नीचे से लगाए हुए हैं, निकल के यहीं जा रहे हैं अंदर के मुड्ढे पे, समीर ताकत से खींचा, रोका, डबल करते हुए उस्ताद जगह लेते जा रहे हैं समीर नीचे से, उस्ताद एकदम थोड़ा गर्दन के बाद अपनी पतंग को लेके गए, लेकिन फिर भी काफ़ी बढ़ है अभी समीर की पतंग, बीचों बीच में धीरे धीरे मुड्ढा उतारते हुए रोके हुए हैं उस्ताद अपनी भारी पतंग को ऊपर से, समीर भी अपनी पतंग को नीचे से लगाए हुए हैं। देखने वाला पेज, तीसरा पेज है समीर के लिए, और पहला पेज अगर काटेंगे तो ये उस्ताद का होगा। जगह बनाए हुए हैं समीर, बाहर की तरफ ताकत से बना लिया, उसी को खींचने लगे अंदर की तरफ, उस्ताद ने भी ताकत से दिखाया, जेते झटके मारे, डोर छोड़ी समीर ने छोड़ के, फिर से ताकत से खींचना शुरू कर दिया, उस्ताद अंदर की तरफ ही खींचते चले आ रहे हैं, कोई काट काट नहीं हुई, रेंज 100 मीटर की बची होगी करीब करके, उस्ताद ने अंदर की तरफ मुड्ढा दिखाया, समीर ने डोर छोड़ दी है, चुस्कियों पर पेज आ गया, पट पे तेते झटके मारे समीर ने, और समीर ये पेज कट गए। काफ़ी देर के बाद खींचा खाची दिखाने दुखूनों के बाद ये पेज उस्ताद ने काट दिया और एक पेज अपना पूरा कर लिया है। नीचे से आलमबाग के लिए आ गए सोनू भाई, ऊपर से उस्ताद अपने दूसरे पेज के लिए जगह लेते हुए, और तेज़ हाथों से फिर से ऊपर से देख सकते हैं, तेज़ हाथों से अंदर की तरफ चढ़ते चले जा रहे हैं, और थोड़ा सा रेंज कम करा के भारी पतंग है तो फंसा के रख के लड़ाते हैं, अगली बार देखेंगे क्या होगा। नीचे से सोनू अपनी पतंग को काफ़ी बढ़ दिए हैं, और सोनू भी तेज़ हाथों से अंदर की तरफ खींचते चले जा रहे हैं, रोक नहीं रहे, निकलता हुआ मुड्ढा बनाया उस्ताद ने काफ़ी करीब करके, और डबल करते हुए अपनी पतंग उठा लिया, लेकिन सोनू भाई की पतंग अभी बहुत ज़्यादा बढ़ है, गड़ोता मुड्ढा उस्ताद ने बनाया काफ़ी दूर से, उसी को धीरे धीरे लेते चल रहे हैं डबल करने की कोशिश में, पतंग को फंसाने की कोशिश में, बाहर की तरफ सोनू ने ताकत से खींचा, उस्ताद ने अपनी पतंग उतारा, और जैसे ही सोनू ने हल्का सा अंदर पट की तरफ करा, तुरंत पतंग कट गई सोनू की, बढ़िया पेज काट दिया, और दो पेज उस्ताद के पूरे हो गए, दो पेज उस्ताद ने काटे हैं, और फिर से मुन्ना भाई को चांस दी जा रही है लड़ाने के लिए उस्ताद से। एक बार अभी उस्ताद ने पेज काटे थे 3-4, और मुन्ना भाई ने काट दिया था, साजिद भाई ये चरखी दिखा रहे हैं जो कि डालीगंज में लड़ाते हैं, और अपोजिट टीम में ये रहे उस्ताद दो पेज काटते हुए। तो नीचे से मुन्ना भाई जगह लेते हुए आलमबाग के लिए, ऊपर से उस्ताद तीसरे पेज के लिए मुड्ढा रख रहे हैं, अंदर की तरफ उस्ताद अपनी पतंग को उतारते हुए, और तेज़ हाथों से मुन्ना भाई जगह ले रहे हैं आलमबाग के लिए, ऊपर से उस्ताद और ज़्यादा अंदर की तरफ उतरते चले आ रहे हैं, ये देख सकते हैं, और मुन्ना भाई भी नीचे से अंदर की तरफ चलते चले आ रहे हैं, दोनों एक दूसरे के हाथ की तरफ जगह लेते हुए, बाहर की तरफ उस्ताद अपनी पतंग को निकालते हुए ला रहे हैं, और मुन्ना भाई लेकिन अभी भी अंदर की तरफ जगह लेते हुए, थोड़ा पट पे करा अपनी पतंग को मुन्ना भाई ने, उस्ताद अपनी पतंग को थोड़ा सा ऊँचे पे लगाएं, आगे एक पतंग है, ऐसा ना हो कोई आगे वाली पतंग से कट जाए, खासकर उस्ताद की पतंग वहाँ पर, और ये देखिए उस्ताद आगे वाली पतंग से कट गए, तो यही डर था, और देखिए मुन्ना भाई पर डोर गिरी, मुन्ना भाई बाहर खींचना, ऐसा ना हो मुन्ना भाई भी साथ में कट जाए, तो ये मुन्ना भाई अपनी पतंग को बाहर खींचते हुए, और मुन्ना भाई भी देखिए कट गए, तो जो सोचा था वही हो गया पेज पे, तो दोनों की पतंग बिना पेज लड़ाए फ्री में चली गई।
इंटरनेशनल के लिए बिलाल भाई लड़ा रहे हैं और पहला पे लड़ा रहे हैं, काफ़ी देर बाद शाम को लड़ा रहे हैं और बहुत देर से बैठे हुए थे हमारे बिलाल भाई। थोड़ा सा घेरते हुए अपनी पतंग को उतार रहे हैं, बड़ पतंग है बिलाल भाई की और नीचे से तेज़ हाथों से अजमत जगह लेते चले आ रहे हैं। तो उम्मीद है कि अजमत खींच के लड़ाएंगे बिलाल भाई से। पुरानी डोरे बिलाल भाई की ताकत से बाहर खींचा डबल करते हुए बिलाल भाई, लेकिन कर नहीं पाए पूरा। अजमत ने बाहर खींचते हुए बिलाल भाई को ये एक पेज काट के पूरा कर लिया। नीचे से अजमत अपने चौथे पेज के लिए जगह लेते हुए ऊपर से आ गए इंटरनेशनल के मज़हर। अंदर की तरफ मुड्ढा उतारते हुए अजमत तेज़ हाथों से नीचे से जगह लेते चले आ रहे हैं, अपनी पतंग को खींचते हुए ऊपर की तरफ दोनों लोग ताकत से खींचते हैं, लेकिन जाने दिया। तीन पेज हो गए हैं अजमत के। अब देखते हैं मज़हर भाई अब की बार रोक पाएंगे अजमत को चौथा पेज काटने से कि नहीं। अजमत तेज़ हाथों से अंदर की तरफ जगह ले रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कूनी कराने की कोशिश कर रहे हैं। हवा जो है राइट हैंड अब की बार आलम बाग की तरफ थोड़ी दब गई है। बीचों बीच में मुड्ढा रखे हैं और चला रहे हैं। अजमत ने अपनी पतंग को काफ़ी ऊंचा करके मुड्ढा दिया, निकलता हुआ धीरे धीरे बनाया मज़हर ने, उसी को रोका, रोक के सीधा गद्दा मारा, भागता हुआ अजमत भी ताकत से खींच रहा हूँ। बढ़िया पेज काट के चार पेज अपने अजमत ने पूरे कर लिए। नीचे से जगह लेते हुए पाँचवें पेज के लिए अजमत और इंटरनेशनल की ओर से अब की बार रिजवान भाई आए हैं। अब देखते हैं क्या होगा। और ये आगे जो पतंग उड़ा रहा है ये लड़ाने नहीं दे रहा, पेज के बीच में काटने की कोशिश कर रहा है। मेंबर गए हैं रोकने के लिए। अब देखते हैं पतंग उतरती है आगे वाली कि नहीं। तेज़ हाथों से जगह लेते हुए नीचे से फिर से अजमत और ऊपर से गर्दन की तरफ अपनी बड़ पतंग को उतारते हुए रिजवान भाई अंदर की तरफ मुड्ढा बनाया, बीचों बीच में आके धीरे धीरे पतंग उतार रहे हैं, लेकिन आगे वाली पतंग देख सकते हैं कैसे खड़ा करके काटने की कोशिश कर रहा है। तो डिस्टर्ब हो रहा है आगे वाली पतंग से मुड्ढा रखने में। रिजवान भाई अपनी पतंग को बचा रहे हैं आगे वाली पतंग से, मुड्ढा नहीं रखने दे रहा। पाँचवा पेज है, चार पेज अजमत काट के लड़ा रहे हैं। तेज़ हाथों से अजमत जगह लेते जा रहे हैं, बीचों बीच में मुड्ढा उतारा रिजवान भाई ने, रोका, रोक के सीधा गद्दा मारा है और ताकत से खींचा अंदर के मुड्ढे पे हल्का सा अजमत ने और रिजवान भाई की ये पतंग कट गई। छठे पेज के लिए नीचे से अजमत जगह लेते हुए ऊपर से प्रिंस मुड्ढा रख रहे हैं इंटरनेशनल के लिए। देखते हैं क्या रोक पाएंगे अजमत को छः पेज काटने से, या फिर छः पेज काट के सातवां पेज भी आज अजमत लड़ाएंगे। नीचे से जगह लेते हुए तेज़ हाथों से और ऊपर से तेज़ हाथों से अंदर की तरफ चढ़ते हुए प्रिंस, पटाव दोनों के बीच में काफ़ी कम, हवा थोड़ी सी दबी हुई है। निकलता हुआ मुड्ढा बनाया प्रिंस ने, बीचों बीच में मुड्ढा रख के अजमत ने भी बाहर की तरफ खींचना शुरू कर दिया। पतंग अंदर की तरफ घूम के आ रही है, अजमत बाहर की तरफ ताकत से खींच रहे हैं और ये प्रिंस की पतंग कट गई। छः पेज अजमत के पूरे हो गए हैं। अब देखेंगे अजमत का सातवां पेज आलमबाग काइट क्लब के लिए। नीचे से जगह लेते हुए अजमत अपने सातवें पेज के लिए ऊपर से सैफ लड़ा रहे हैं और तेज़ हाथों से अंदर की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं और काफ़ी भारी पतंग उड़ाए हैं सैफ। देखेंगे क्या होगा। ये देखिए बीचों बीच में सैफ अपनी पतंग को रख रहे हैं और ये अजमत भाई की पतंग लगी है। दोनों एक दूसरे हाथ की तरफ जगह ले रहे हैं, थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं जैसे दोनों ही पेज आप देख सकें। सातवां पेज है ये आलमबाग काइट क्लब के लिए और रोकने के लिए ऊपर से हैं इंटरनेशनल के सैफ। रेंज कम होती जा रही है, बहुत ज़्यादा रेंज कम हो गई है। ये देखिए पतंग है सैफ की, अभी भी ऊपर से अंदर की तरफ देखिए जगह ले रहे हैं और अजमत अपनी पतंग को बाहर की तरफ ताकत से खींचते हुए रेंज को थोड़ा सा, जो अपनी पतंग की रेंज को कम करने के लिए तेज़ हाथों से सैफ अभी भी अंदर की तरफ अपनी पतंग उतारते जा रहे हैं रेंज को कम करने के लिए। अजमत काफ़ी पीछे बढ़ गए हैं और ये पतंग लगी है अजमत की। दोनों पतंगें आर पार हैं इसलिए नहीं दिख रही, थोड़ा सा खींच खाच के जब एक दूसरे के करीब आएंगे तब दिखेंगे। गड़ौता मुड्ढा सैफ ने काफ़ी दूर से बनाया, अजमत ने बाहर की तरफ खींचना शुरू कर दिया, सीधा गद्दा ताकत से सैफ मारते चले आ रहे, काफ़ी नीचे तक पतंग लेके आ गए हैं और अजमत की ये पतंग थी बाहर की तरफ खींच रहे थे, ये पेज कट गए तो सैफ ने बचा लिया अपनी टीम के लिए सातवां होने से अजमत के। हमने आपसे कहा था, देखिए चेक कर लीजिए। भाई हमारे हाँ, ये हमारे सोडी भाई आलमबाग टू में चले गए हैं, जो रहमान भाई इस समय चला रहे हैं। अच्छा हाँ, ये अजमी भाई ने बताया आपने आलमबाग मेन वाला छोड़ दिया है और देखिए शाम को 4:30 बजे आए हैं। अरे 5 मान लीजिए पूरा। तो न्यू आलमबाग टू में कौन कौन लड़ा रहा है? सोडी भाई है और 5-6 मेंबर है। ये आज लड़ाने के लिए मेरी पतंग ले लिया इन्होंने, मगर लड़ाएंगे नहीं, ये बना के मुझे दे देंगे। वाला कहाँ लड़ा सकता है, परमिशन चाहिए सबसे। आलमबाग टू है ना, आलमबाग में जितने मेंबर हो गए थे 16 मेंबर पहली बार हुए थे, इसलिए आधे आधे बांट दिए गए। ओहो, क्या कहना आजमी भाई का, ऐसा कुछ नहीं, मजाक कर रहा है। बेचारे उम्र हो गई है। अरे उम्र हो गई इनकी, सठिया गए, उम्र का तकाजा है। तो इतने से बुलाए भी नहीं जा रहे थे, बुलाए लड़ रहा था ये। एक्चुअली में इनको निशातगंज वालों ने धक्के मार के निकाला है। अच्छा जी जी, तो कसर निकालने अपनी जी। चलिए
ये से इनको टाइम अच्छा। मिल गया सैफुल भाई की आज पतंग नहीं लड़ रही थी छोड़ी अच्छा। तो लगाने चले आए हाँ ये बहुत से गेम आप लोगों ने देखे होंगे। ये चौथा मैदान है, चौथे मैदान में आज ये पहली बार आए हैं आलमबाग की जब लड़ रही है और सचिव बन गए क्या जरूरत है पतंग लड़ाने की बोलो मुझे नीचे से समीर दिशा पे लड़ाते हुए और ऊपर से आए हैं मज़हर काटने के लिए इंटरनेशनल मेंबर। देखते हैं कौन ही पेच काटेगा। थोड़ी भारी पतंग उड़ाए हैं मज़हर, धीरे धीरे रेंज को कम कर रहे हैं पतंग को ऊपर से लादने की कोशिश। बाहर की तरफ समीर ने काफ़ी दूर से खींचा और बड़ा भी पतंग है काफ़ी ज़्यादा समीर की। निकलता हुआ मुद्दा मज़हर ने बनाया, समीर ने अंदर की तरफ दिखाया, करीब करके रोका, अंदर की तरफ तेज़ झटके मारते हुए पतंग को उतारने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन तेज़ हाथों से जगह लेते हुए पतंग को ऊपर करा। समीर की पतंग कम से कम 20 मीटर बाहर है मज़हर भाई की पतंग से। इंटरनेशनल वर्सेस आलमबाग काफ़ी सालों बाद ये लड़ रहा है। कोई जल्दबाजी नहीं, समीर अपनी पतंग को एकदम खड़ा करके मुड्ढा दे रहे हैं। मज़हर ने निकलता हुआ मुड्ढा काफ़ी दूर से बनाया, धीरे धीरे चल रहे। समीर की पतंग एकदम खड़ी, उसी को खींचा, मज़हर ने सीधा मुड्ढा अंदर की तरफ उतारा। डोरों पे पेज पट पे तेज झटके मारने लग गए हैं और डोर निकालने लग गए। समीर थोड़ी सी डोर निकाली और मज़हर की पतंगें कट गई, तीन पेज समीर के पूरे हो गए। हमारे साथ हैं आलमबाग काइट क्लब के कैप्टन सोडी भाई। तो सोडी भाई, इंटरनेशनल से सुना है आपकी पतंग मतलब कई सालों तक नहीं लड़ी है, 12-13 साल ये बात पता चली है, अभी किसी ने बताई है जी। तो मतलब क्या क्या वजह थी, मतलब वापसदारी थी किससे थी, तो आज कैसे मतलब तय हो गई? ऐसा वो उस्ताद हैं जी, अच्छी वजह से कभी लड़ी नहीं। मेरे एक बड़े भाई हैं जिन्होंने क्लब मेरे साथ खोला था, अच्छा, उनके कहने से कभी पतंग नहीं लड़ी। अच्छा। कुछ नए लड़के आए 16-18 साल वाले, अच्छा, उनको थोड़ा सा उनको था कि उस्ताद से पतंग लड़ी, उस्ताद से लड़े कोई उस्ताद की उम्र के लड़के आए। हम भैया इस साल हम आलमबाग में आए जी, तो मेरे ख्याल से हम ही नए हैं। अच्छा, पहल मतलब अभी लड़ाने को मिल जाए उस्ताद से, तो शायद मतलब इनका कहना यही है कि हमारी इच्छा, अच्छा इच्छा थी, मतलब ये था उस्ताद से पेज नहीं हुए और काफी नाम है उनसे लड़ाने को मिले तो पता चले कैसा क्या पेज हो, तो इस वजह से मतलब उस्ताद की टीम से लड़ाया गया। चलिए, बहुत बढ़िया गेम हो रहा है आलमबाग और इंटरनेशनल के बीच। नीचे से शाम के समय आए हैं सोडी भाई और अपना पहला पेज लगाते हुए, ऊपर से इंटरनेशनल के लिए मुद्दा रखते हुए प्रिंस, दोनों का इस पतंग से पहला पेज। देखते हैं कौन काटेगा। थोड़ा सी पतंग को बढ़ करके सोडी भाई जगह लेते जा रहे हैं और प्रिंस अपनी पतंग को कम करते हुए फिर से ऊपर से अंदर की तरफ उतरते जा रहे हैं। अब थोड़ा सा गड़ोता मुड्ढा बनाया, सोडी भाई ने भी अपनी पतंग को बाहर की तरफ निकाला, अंदर की तरफ दोबारा से जगह लेना है दोनों ही लोग। सोडी भाई धीरे धीरे अपनी पतंग को अंदर के मुड्ढे पे ऊँचा करते जा रहे हैं। गड़ोता मुड्ढा प्रिंस ने बनाया, करीब करके रोका, रोक के फिर से बनाया मुड्ढा, फिर से करीब करके रोका, फिर से गड़ोता मुड्ढा बनाया, उसी ताकत से हमारे पतंग घूम के अंदर की तरफ पट पे खींचा सोडी भाई ने, बढ़िया पेज ये काट दिया, एक पेज पूरा हो गया सोडी भाई का। नीचे से सोडी भाई, ऊपर से उस्ताद मुड्ढा रखते हुए, सोडी भाई ने जिस पतंग से काटा था वो पतंग चली गई और आगे वाले पतंग की वजह से डिस्टर्ब हो रहा है। वो पेज के बीच में जो पतंगें लड़ाई जा रही है उसको काट रही हैं, जो बच्चे आगे लूट रहे हैं पतंगें वो लड़ाने लग जा रहे हैं। अब देखते हैं क्या होगा। देखिए, आगे वाली पतंग एकदम बीचों बीच में पतंग को खड़ी करे हुए काफ़ी ऊँचा करके इसलिए लड़ाया जा रहा है। ऊपर से उस्ताद, नीचे से सोडी भाई, तेज़ हाथों से जगह लेते हुए बीचों बीच में मुड्ढा उतारा उस्ताद ने। सोडी भाई भी बाहर की तरफ मुड्ढा बना रहे हैं, तेज़ हाथों से बाहर की तरफ मुड्ढा खींचते हुए आगे वाली पतंग देख सकते हैं काफ़ी ऊंचा करके काटने की कोशिश कर रहा है। बाहर की तरफ सोडी भाई की तेज़ हाथों से खींचते चले आ रहे हैं, उस्ताद रोके हुए, रोके गड़ोता मुड्ढा उस्ताद ने बनाया, उसी को ताकत से मारा, पतंग घूम के अंदर की तरफ आ रही, पट पे खींचा सोडी भाई ने और ये पेज काट दिया और एक पेज पूरा कर लिया है क्योंकि पहले वाली पतंग चली गई थी। नीचे से सोडी भाई जगह लेते हुए अपने दूसरे पेज के लिए और ऊपर से मुड्ढा रख रहे हैं अनीस इंटरनेशनल के मेंबर, धीरे धीरे अपनी पतंग को उतारते हुए। और अनीस की पतंगबाजी आपने देखी होगी, जब मून लाइट विकास लड़ा था विकास की तरफ से लड़ा रहे थे अनीस। धीरे धीरे अपनी पतंग को उतारते हुए, पतंग बाहर की लग रही, धीरे धीरे उतार रहे तो घूम के अंदर आ रही है। सोडी भाई अपनी पतंग को निकालते हुए बाहर की तरफ, लेकिन आगे वाली पतंग की वजह से डिस्टर्ब हो रहा है, देख सकते हैं कैसे खड़ी करके काटने की कोशिश कर रहे हैं सोडी भाई की पतंग को। और अनीस भी तेज़ हाथों से अंदर की तरफ जगह लेते चले आ रहे हैं और सोडी भाई भी अंदर की तरफ जगह लेते चले आ रहे हैं, लेकिन देखते हैं कौन काटेगा। बीचों बीच में काफ़ी ज़्यादा पट पे खींचा अपनी पतंग को बचाने के लिए और अनीस अपनी पतंग को बीचों बीच में उतारते हुए और सोडी भाई की पतंग ये देखिए यहाँ पे लगी है, तो इसलिए दोनों पतंगें नहीं आ पा रही हैं। तो ये देखिए थोड़ी सी पतंग बाहर निकाल के लाए, अभी भी अंदर की तरफ जगह लेते जा रहे हैं अनीस और बाहर की तरफ सोडी भाई अपनी पतंग को खींचते हुए निकाल के लाए हैं। गड़ोता हुआ मुड्ढा बनाया अनीस ने, करीब करके रोका, चेक कर लिया, तेज हाथों से सोडी भाई ने नीचे से दौड़ाना शुरू कर दिया। अनीस ने अपनी पतंग को ऊपर करा, हेलो, कोई काट काट नहीं हो रही, तो वार भाई थोड़ी सी पतंग को बढ़ाने लग गए हैं पेज पे ही आपस वाले हो और अंदर की तरफ पतंग को धीरे धीरे उतारते हुए
अनिस और पतंग को उतारते हुए अनिस अनिस ने गड़ोता हुआ मुड्ढा बनाया, उसी को ताकत से मारते जा रहे, पतंग हल्के हल्के अंदर आ रही, क्रॉस पे पट पे जाता हुआ मुड्ढा और फिर से सोडी भाई ने ये पेच काट दिया। तो दो पेच सोडी भाई के पूरे हो गए, सेम तरह से लड़ाया पट पे खींचते हुए। अब देखेंगे तीसरा पेच कौन लड़ाएगा कौन काटेगा। नीचे से जगह लेते हुए सोडी भाई अपने तीसरे पेच के लिए ऊपर से जहर लड़ा रहे हैं और तेज हाथों से ऊपर से अंदर की तरफ जगह लेते हुए बीचों बीच में मुड्ढा उतार रहे हैं धीरे धीरे अब, लेकिन अंदर की तरफ ही जगह ले रहे हैं। सोडी भाई अपनी पतंग को बाहर की तरफ निकालते हुए जैद ताकत से अंदर की तरफ खींच रहे हैं और रेंज को कम करा रहे हैं। सोडी भाई की पतंग कम से कम 50 मीटर बढ़ होगी जैद की पतंग से। अंदर के मुड्ढे पे जैद ने ताकत से भरा, रोका, रोक के फिर से अंदर के मुड्ढे पे ताकत से मारे, बाहर की तरफ सोडी भाई भी ताकत से खींच रहे हैं। सोडी भाई की पतंग धीरे धीरे पट की ओर जा रही है, पतंग घुसेड़ दी, लेकिन आगे वाली पतंग से भी देखिए दिक्कत हो सकती है, ये सोडी भाई आगे वाली पतंग से कट गए और जो जैद की पतंग थी वो भी चली गई, लेकिन ये पेज सोडी भाई ने काटा था लेकिन मुड्ढे पे चली गई, इसलिए पेज बराबर हो गया और नीचे से चांस मिल जाएगी आलमबाग का क्लब को। नीचे से सोडी भाई और ऊपर से दिलशाद भाई एक पेज काट चुके हैं, दूसरा पेज ऊपर से फिर से लड़ा रहे हैं दिलशाद भाई। चलते हैं दिलशाद भाई के पेज पे। ऊपर से दिलशाद भाई अंदर की तरफ जगह लेते जा रहे हैं, हवा फिर से लेफ्ट हैंड मतलब इंटरनेशनल क्लब की तरफ दब गई है और नीचे से सोडी भाई अपनी पतंग को बाहर निकालते हुए अंदर के मुड्ढे पे दिलशाद भाई ने अपनी पतंग को उतारा, बाहर का निकलता हुआ मुड्ढा बनाया, निकलता हुआ जा रहा, रोका डबल करने के लिए, लेकिन अंदर की तरफ सोडी भाई ने खींचा, पेज आया नहीं, काफ़ी करीब करके डबल करा था। और आगे वाली पतंग देखिए फिर से कोशिश कर रही है पतंग काटने की सोडी भाई की, इससे पहले भी काट चुकी है पेज पे, दो पेज काटे थे सोडी भाई ने। और आज काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है आगे की वजह से, थोड़ा जंगल टाइप में है, पता नहीं चल रहा है कौन उड़ा रहा है। तेज़ हाथों से दिलशाद भाई अंदर की तरफ जगह लेते हुए सोडी भाई ने अपनी पतंग को काफ़ी ऊँचा करा, तेज़ हाथों से अंदर की तरफ उतरते चले जा रहे हैं दिलशाद भाई, करीब करके रुके, रुक के अंदर के ही मुड्ढे पर ताकत से खींचने, बाहर की तरफ सोडी भाई ने खींचा और सोडी भाई ये पेज कट गए और ये पतंग पेड़ों के पीछे से दिलशाद भाई के निकल के आ रही। बढ़िया पेच काट दिया, अब देखते हैं दिलशाद भाई खुद लड़ाएंगे या किसी को चांस देंगे। नीचे से जैद जगह ले रहे हैं इंटरनेशनल के लिए, ऊपर से अजमी भाई और दोनों का पहला पेच इंटरनेशनल की तरफ से दिलशाद भाई ने फिर से काटा था और पेच दे दिया है जैद को। नीचे से जैद अपनी पतंग को चलाते हुए अंदर की तरफ खींचा ताकत से, ऊपर से आलमबाग के अजमी भाई गड़ोता हुआ मुड्ढा मारा, उसी को ताकत से मारा, बाहर की तरफ जैद ने भी ताकत से खींचा, लेकिन जैद भाई की पतंग तुरंत कट गई। तो एक पेच हो गया है अजमी भाई का, अब देखेंगे कौन लड़ाएगा। नीचे से जगह लेके रिजवान भाई आ गए हैं अपने पहले पेज के लिए, ऊपर से सनी लड़ा रहे हैं आलमबाग के लिए मुड्ढा रखते हुए, चक्करों पे रोके हैं गड़ोता मुड्ढा सनी ने, काफ़ी दूर से बनाया, करीब करके रोका, फिर से उसी को ताकत से भरा, फिर से करीब करके रोका, अंदर की तरफ खींचा रिजवान भाई ने, सीधा गद्दा मारा सनी ने और कट गए। बढ़िया पेज काट दिया, लेकिन दोनों पतंगे पेज पे बराबर से चली गई। नीचे से उस्ताद आ गए हैं, ऊपर से मुन्ना भाई, दोनों का एक बार फिर से पेज, लेकिन अब की बार मुन्ना भाई ऊपर से पेज लड़ा रहे हैं और नीचे से उस्ताद, अब देखते हैं कौन ये पेज काटेगा। दोनों लोग एक दूसरे को फंसा कर लड़ाने के चक्कर में हैं। नीचे से उस्ताद की पतंग थोड़ी सी कम है, जगह लेने लगे तेज़ हाथों से, मुन्ना भाई ने अपनी पतंग को बचाने के लिए ऊपर खींचा, काफ़ी ऊँचा करके पेज हो रहा है, उस्ताद नीचे जगह लेते आ रहे हैं, मुन्ना भाई भी अपनी पतंग को काफ़ी ऊँचे ताने हुए हैं और ऊपर ही ऊपर अंदर की तरफ जगह लेते जा रहे हैं। नीचे से उस्ताद अपनी पतंग को बचाने के लिए बाहर की तरफ खींचते हुए थोड़ा थोड़ा और ऊंचा करके मुड्ढा दिया, मुन्ना भाई ने उस पर मुड्ढा रखा है, अंदर की तरफ फिर से जगह लेने लग गए हैं। उस्ताद ने भी नीचे से अंदर की तरफ जगह ली और मुन्ना भाई अंदर की तरफ ही अपनी पतंग को उतारते जा रहे हैं, पट पे खींचा उस्ताद ने, देखने वाला पेज, दौर फेंकी, गुड़गड़ोता मुड्ढा मुन्ना भाई ने बनाया, करीब करके रोका, तेज तेज उसकी ओर पर रखा है, बाहर की तरफ उस्ताद खींच रहे, धीरे धीरे बाहर की तरफ निकलते हुए मुड्ढे पे तेज झटके मारे, पतंग सीधी हुई उस्ताद की और मुन्ना भाई की पतंग कट गई। एक पेज हो गया है उस्ताद का इस पतंग से। नीचे से उस्ताद दूसरे पेज के लिए जगह ले रहे हैं और आलमबाग के लिए सोनू आ गए हैं ऊपर से मुड्ढा रखते हुए और सोनू की पतंग फिर से कुछ लग रही है बाहर की, गड़ोता हुआ मुड्ढा बनाया, नीचे से उस्ताद अपनी पतंग को रोके हुए हैं, अंदर की तरफ उस्ताद ने पहल कर खींचा और सोनू ने जैसे ही मुड्ढा बनाया कट गया, लेकिन उस्ताद की पतंग भी सेम मुड्ढे पर चली गई। उस्ताद की पतंग टूट गई थी तो अनीस ने अपनी पतंग उस्ताद के हाथ में दी, उस्ताद पतंग को चेक करते हुए लड़ाने लायक है कि नहीं और अभी चेक कर रहे हैं, खींच के थोड़ा सा देख रहे हैं कि पतंग राउंड या ख़राब ना हो, नीचे करके अपनी पतंग को खींचते हुए। तो अब लड़ाएंगे उस्ताद अनीस भाई अली पतंग, अब देखेंगे कितने पेज काटेंगे इससे। मुड्ढा फेरते हुए और ऊपर से अब की बार अजमी भाई हैं
रोता मुड्ढा काफी दूर से बनाया, करीब करके रोका, रोक के अंदर की तरफ सीधा मुड्ढा उतारो, तेज तेज झटके मारे, उस्ताद ने डोर फेंकी लेकिन उस्ताद कट गए। तो अब देखते हैं अजमी भाई की, पिछली बार पतंग सोडी भाई ने ले ली थी, अब की बार अजमी भाई खुद लड़ाएंगे या फिर से कोई ले लेगा अजमी भाई की पतंग। ये रहे हमारे अमान भाई, जब भी पेड़ लाने आते हैं तो सामने से अपोजिट टीम के ओर से उस्ताद आ जाते हैं और हर बार इनका पेज उस्ताद से पड़ता है, फिर से उस्ताद आ गए हैं लड़ाने के लिए। और त्रिपाठी जी जो वह चरखी दिखा रहे हैं उस्ताद की, और अमान भाई इसी में परेशान है कि कोई पेज ही नहीं मिल रहा किसी और का, जब आते हैं उस्ताद आते हैं उस्ताद से पेज काट जा रहे हो, एक पेज इन्होंने उस्ताद को काटा भी था, चल के देखते हैं याले पेज में कौन काटेगा। नीचे से अमान जगह लेते हुए ऊपर से उस्ताद अपनी पतंग से मुड्ढा फेरते हुए, अब की बार उस्ताद की पतंग थोड़ी सी बढ़ है और देखते हैं कौन काटेगा ये पेज। जगह बनाए हैं, अपनी पतंग को चमका रहे हैं, उस्ताद गर्दन की तरफ तेज़ हाथों से अपनी पतंग को लेके जा रहे हैं और अमान कोनी करा के जगह लेते जा रहे हैं। उस्ताद की पतंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ है, उस्ताद को एक पेज सिर्फ अमान ने काटा है, बाकी सारे कटे हैं। तो अमान आज इसी में परेशान है कि यार कोई और पेज लड़ाने वाला ही नहीं मिल रहा जिसको काट सके, काफ़ी बड़ पतंग है उस्ताद की। अमान ने बाहर का मुड्ढा बनाया, करीब करके रोका, रोक का फिर से मुड्ढा बनाया, अंदर की तरफ देख के फिर से रुक गए, रुक के क्रॉस पे खींच रहे हैं अमान और कट गए। और ये रहे हमारे अमान भाई, क्या कहेंगे, मतलब क्या कुछ कहना, हर बार चले आ रहे काट। तो फिर से उस्ताद से पेज पड़ गया और एक पेज खाली बड़ पे है अमान उस्ताद से, बाकी सब पेज उस्ताद से आज अमान भाई कट गए हमारे, तीनों कट गए। चलिए कोई बात नहीं, हो सकता है अभी अंधेरा होने में आधा घंटा शायद कोई आ जाए लड़ाने वाला और जा रहे घर। और भाई भाई कह रहे जा रहे घर, लड़ाएंगे नहीं फिर उस्ताद आ जाएंगे ताड़े क्या उस्ताद तुमको। नहीं हमारी तो कभी बात आज भी नहीं हुई है, कचरे पड़े फर्जी। चलिए कोई बात नहीं, अब देखते हैं अगला पेज। नीचे से उस्ताद अपना दूसरा पेड़ लड़ाते हुए ऊपर से सनी लड़ा रहे हैं, आलमबाग के मेंबर गलौता मुंडा दूर से बनाया, रोका, डोर फेंकी, फिर से गलौता मुंडा में आया, अपनी पतंग को चमका रहे हैं उस्ताद और चमकाते चमकाते बढ़िया पेज काट दिया, दो पेज अपने पूरे कर लिए। ऊपर से सोडी भाई तीसरे पेज के लिए, नीचे से उस्ताद आगा बाहर की तरफ मुंडा दिखाते हुए क्रॉस ले जाते हुए रोका, रोक के फिर से क्रॉस खींचा और दोनों पतंगें बराबर से चली गई और सोडी भाई की पतंग शायद टूट गई है, ये देखिए टाइट करी तो डोर फेंकी थी, पतंग है सोडी भाई की, शायद हाथ से डोर छूटी होगी और उस्ताद आगा जी ये पेज कट गए। नीचे से सोडी भाई अपना दूसरा पेड़ लड़ाते हुए ऊपर से रिजवान लड़ा रहे हैं और तेज हाथों से ऊपर से अंदर की तरफ जगह लेते जा रहे हैं, सोडी भाई अपनी पतंग को निकालते हुए बाहर की तरफ ला रहे हैं। आलमबाग बस एस इंटरनेशनल काफ़ी अच्छा गेम लड़ा, पेज पे पेज हुए और बढ़िया पे लड़े, दोनों ही टीम में बहुत ही बढ़िया टीम है इसीलिए सत्ता या नहला देखने को नहीं मिल पाया, कोई ना कोई कहीं ना कहीं बचा लेता। तेज़ हाथों से रिजवान भाई चढ़ते हुए ऊपर से और सोडी भाई अपनी पतंग को बाहर निकालते जा रहे हैं और मुड्ढा भी ऊंचा करते जा रहे हैं, रिजवान भाई ने बाहर का मुड्ढा बनाया, रोका, रोके सीधा ताकत से बनाया, उसी को गलौता मारते जा रहे हैं, अंदर की तरफ पट पे खींच रहे हैं सोडी भाई और अब की बार सोडी भाई ये पेज कट गए, रिजवान भाई का एक पेज हो गया इस पतंग से। रिजवान भाई ऊपर से दूसरे पेज के लिए मुड्ढा रख रहे हैं और नीचे से बुला लिया है आलमबाग काइट क्लब के मेंबर सोनू भाई को, अब देखते हैं कौन ये पेज काटेगा। नीचे से जगह लेते हुए सोनू ऊपर से अंदर की तरफ चढ़ते हुए रिजवान भाई और 6:20 हो रहे हैं, कुछ देर और पतंगें लड़नी है। नीचे से जगह लेते हुए सोनू भाई ऊपर से रिजवान भाई तेज़ हाथों से जगह लेते चले आ रहे हैं, बिल्कुल मुड्ढा नहीं रख रहे हैं, जगह लेते चले आ रहे हैं, बीचों बीच में अपनी पतंग उतारा और दोनों एक दूसरे की जगह ले रहे हैं, इस वजह से दोनों पतंगें नहीं दिख पा रही, थोड़ा सा बाहर की तरफ मुड्ढा निकाला सोनू भाई ने और रिजवान भाई अभी भी ऊपर से अंदर की तरफ जगह ले रहे हैं और सोनू भाई भी नीचे से अंदर की तरफ जगह ले रहे हैं, अगर थोड़ा सा और जगह ली गई तो एक ही पतंग आपको दिख पाएगी। पतंगें बाहर निकालते हुए और रेंज धीरे धीरे कम होती जा रही है, गड़ौता मुड्ढा काफ़ी दूर से रिजवान भाई ने बनाया, धीरे धीरे निकलता मुड्ढा जा रहा, सोनू ने खड़ा खींचा, खींच के डोर फेंकी, गड़ौता मुड्ढा उसी पे रिजवान भाई ने बनाया, अंदर की तरफ दिखा के तेते झटके मार रहा सोनू, बढ़िया पेज रिजवान भाई को काट दिया और एक पेज अपना पूरा कर लिया। 6:20 हो रहे हैं फ्रेंड्स, लेकिन कोई बड़ा स्कोर नहीं हुआ, सिर्फ एक 6 अजमत ने काटे थे और इंटरनेशनल की ओर से 6 का कोई स्कोर नहीं हुआ, इससे कम का स्कोर है। और इधर से हमारे सोडी भाई खड़े हुए पेज देखते हुए, नीचे से सोनू लड़ा रहे हैं, ये देखिए देखिए कितनी तेज़ खींचते हैं, इनको देख लेते हैं हम लोग, ये अपना दूसरा पेड़ लड़ा रहे हैं, जगह बनाई पीछे बढ़ते जा रहे हैं, ये कितनी तेज़ी से पीछे चलते हुए, और ये देखिए ताका से गिनना शुरू कर दिया, तेज़ तेज़ झटके मारे लेकिन कट गए, बच गए, कुत्ता बगल में था वरना उसके ऊपर चढ़ जाते। नीचे से अनीस इंटरनेशनल के लिए और शायद ये आखिरी पेज होगा,
ज़्यादा पतंगे नहीं है, एक दो ही होंगे बस। और ऊपर से लड़ा रहे हैं सोडी भाई, नीचे से जगह लेते हुए अनीस। एक पेज काट चुके हैं, दूसरा पेज है अनीस का। और इंटरनेशनल की ओर से एक पतंग तो है, लेकिन अभी आलमबाग काइट क्लब की तरफ से कोई पतंग नहीं है, शायद आवाज़ हो गई हो। नीचे नीचे जगह लेते हुए अनीस काफ़ी ऊंचा करके मुंडिया दिया। सोडी भाई भी अपनी पतंग को ऊपर ही ऊपर खींच रहे हैं, अंदर की तरफ तेज़ हाथों से अनीस ने खींचना शुरू कर दिया, जाने नहीं दे रहे हैं। सोडी भाई भी अपनी पतंग को बचाने के लिए खींचते जा रहे हैं, अंदर के मुंडे पर खींच रहे हैं, काफ़ी खड़ा करके रोका है अपनी पतंग को। और सोडी भाई अपनी पतंग को ऊपर ही ऊपर बनाए हैं, बिल्कुल मुंडा नहीं रख रहे हैं। धीरे धीरे अपनी पतंग को उतारते हुए अनीस अपनी पतंग को बचाने के लिए पट पे कर रहे हैं, लेकिन दोबारा से रोक के अंदर की तरफ जगह ली। निकलता हुआ मुड्ढा बनाया, रोका, रोके सीधा मुड्ढा बनाया, अंदर की तरफ अनीस ने दिखाया सीधा मुड्ढा, तेज झटके मारे अनीस ने, जैसे ही अंदर की तरफ मुड्ढा करा कट गए। बढ़िया पेज ये सोडी भाई ने काट दिया है। और अभी इंटरनेशनल की ओर शायद दो पतंग और है, तो देखते हैं पेज होगा कि नहीं। हवा भी कम होती जा रही है, अब सोडी भाई नीचे से दूसरा पेज लड़ा रहे हैं, और उसके बाद भी इंटरनेशनल की एक पतंग बचेगी, देखते हैं कौन काटेगा। ऊपर से सैफ लड़ा रहे हैं इंटरनेशनल के लिए, नीचे से सोडी भाई आलमबाग के लिए। कोनी करा के सोडी भाई जगह लेते हुए, और ऊपर से शायद अंदर की तरफ जगह लेते हुए और पतंग को चलाते हुए। अंधेरा हो रहा है तो कीड़े भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं कैमरे के आगे, आप देख सकते हैं, जिसकी वजह से पेज की जो पतंग है वो ब्लर हो रही है थोड़ी सी। अपनी पतंग को बाहर की तरफ निकालते हुए ज़्यादा अंदर की तरफ तेज़ हाथों से जगह लेते चले जा रहे हैं। रेंज काफ़ी ज़्यादा कम हो गई, अंदर की तरफ ज़्यादा अपनी पतंग को उतारते हुए, रोका अंदर की तरफ सीधा मुड्ढा उतारा, तेते झटके मारे सोडी भाई ने, बढ़िया पेज ये काट दिया। ये देखिए पतंग कट गई जायद की, दो पेज हो गए सोडी भाई के, अब एक पतंग और बची है ये देखिए, तो तीसरा पेज भी देख लेते हैं और ये गेम यहीं पर एंड हो जाएगा। और दोनों की ओर से कोई भी बड़ा स्कोर नहीं हुआ है। तो आज के गेम का ये आखिरी पेज होगा, ऊपर से जायद, नीचे से सोडी भाई। सोडी भाई अपना तीसरा पेज लड़ा रहे हैं, जायद अपनी पतंग को ऊपर से बनाए हुए हैं, और 200 मीटर की रेंज में अंदर की तरफ पतंग जायद अपनी पतंग को उतारते हुए भागता मुड्ढा बनाया, अंदर की तरफ पतंग घूम के आ रही, पट पे दिखाया सोडी भाई ने, और सोडी भाई ये पेज कट गए और आखिरी पेज इंटरनेशनल ने काट दिया। तो गेम यहीं एंड होता हुआ। आज इतनी लंबी डोर फेंक दी कि जो डोर फेंकते थे वो आज सोचे कि मैं कट गया, उन्होंने पतंग पकड़ के अपना किनारे, फिर मैंने डोर पकड़ के झटकों से पेज काटा इनका। नहीं पड़ा, डोर छूट गई थी, हम घूम के देखा तो बस जरा डोर छूटी पड़ी। तो हंसी मजाक हो रहा है, गेम एंड हो गया, बहुत बराबरी का गेम लड़ा और दोनों ही टीम के प्लेयर आपस में बहुत अच्छे प्लेयर लगे। कई सालों के बाद ये 12 साल के बाद ये टीमें लड़ी हैं आलमबाग और इंटरनेशनल लखनऊ के अंदर। बहुत बढ़िया गेम रहा दोनों के बीच में।